हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 25 सितंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, आईपीएल 2023 की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग, आईपीएल के ऑक्शन को लेकर भी और टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग आठ काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आ रही है शुभमन गिल की तरफ से, जहां पर शुभमन गिल हमें गुजरात टाइटंस की टीम में करंटली खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली इनका फॉर्म हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से आज से कुछ दिन पहले गुजरात टाइटंस की टीम ने एक मजाक भी किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो शुभमन गिल को रिलीज करने वाले हैं, और अब इस बात को सीरियसली लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने ट्राई किया है गुजरात टाइटंस के टीम से कांटेक्ट करने का, कि ये शुभमन गिल को अब अपनी टीम में वापस से ट्रेड करना चाहते हैं। दरअसल केकेआर की टीम ने शुभमन को इस उम्मीद में रिलीज किया था कि उनकी जगह ये किसी एक्सप्लोजिव ओपनर को अपनी टीम में शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक्सप्लोजिव तो दूर की बात है, केकेआर की टीम एक जो ओपनर होता है उसी को नहीं ढूंढ पाई थी लास्ट सीजन में, काफी सारी रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिली थी। तो ऐसे में केकेआर की टीम अब चाहती है कि शुभमन गिल वापस से इनकी टीम में आ जाएं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि गुजरात टाइटंस की टीम जो कि चैंपियन टीम है करंटली, वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वो शुभमन गिल को इनकी टीम में ट्रेड नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले को लेकर। आज हमें 3 T20 मुकाबलों की सीरीज का फाइनल डिसाइडिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है हैदराबाद में। ये सीरीज करंटली 1-1 से बराबर है, ऐसे में जो भी टीम आज का मैच जीतती है वही टीम हमें इस सीरीज को जीतते हुए नजर आएगी। अगर भारत की टीम की प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो भारत की टीम में आप लोगों को एक चेंज देखने को मिलने वाला है, और ये चेंज है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत इस मुकाबले में वापस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट मुकाबले में तो एक एडिशनल बैट्समैन की वजह से उनको टीम में शामिल किया गया था। तो ऐसे में इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार आप लोगों को अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जहां पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 3 टीमों की साइड से ऑफर आया था। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स इनके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ये तीनों ही टीमें, जब इनको पता चला कि रविंद्र जडेजा और सीएसके के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर इन्होंने सीएसके की टीम को कांटेक्ट किया था, और इनमें से दो टीमों ने जडेजा को 8 से 10 करोड़ रुपए में ट्रेड करने का ऑप्शन सीएसके की टीम को दिया था। लेकिन उस टाइम पर सीएसके की टीम इस बारे में बिल्कुल चुप रही, और बाद में सीएसके के मैनेजमेंट ने इसको बिल्कुल सी मना कर दिया, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस चीज को फाइनलाइज कर दिया कि एटलीस्ट अपनी तरफ से तो वो रविंद्र जडेजा को ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब अगर जडेजा खुद ट्रेड होना चाहते हैं या फिर अगर जडेजा खुद रिलीज होना चाहते हैं तो फिर वो आईपीएल ऑप्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही ऐसा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 में मेगा ऑक्शन करवाने को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, 16 दिसंबर को हम सभी लोगों को आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है, और ऐसे में आईपीएल की नीलामी जो कि इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ टीमें खुश नहीं है। दरअसल बीसीसीआई के द्वारा सभी टीमों का बैलेंस पर्स 5-5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे जो टीमें हैं वो खुश नहीं है। कुछ ऐसी टीमें हैं जिनका मानना है कि इस बार बैलेंस पर्स बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस बार मेगा ऑक्शन कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। दरअसल इन टीमों में नाम निकल कर आता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, इनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, इनके साथ ही मुंबई इंडियंस और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें ये चाहती हैं कि इस बार वापस से मेगा ऑक्शन कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, जिससे कि इस बार के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम को वापस से रिबिल्ड कर पाएं। और ऐसे में इन्होंने बीसीसीआई से कहा है कि 5 करोड़ रुपए जो बैलेंस पर्स में बढ़ाए गए हैं उससे इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे प्लेयर्स को परचेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चाहते हैं कि इस बार मिनी ऑक्शन नहीं बल्कि मेगा ऑक्शन हम सभी को देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। और अगर आप लोग एमएसटी के फैंस हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर है उनके रिगार्डिंग, क्योंकि कल अचानक से ही एमएसटी, जो कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आते, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया, जहां पर उन्होंने बताया है कि 25 तारीख को वो लाइव आने वाले हैं और वो एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसके बाद काफी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एमएसटी के फैंस के द्वारा कि एमएसटी बहुत प्रोबेबली इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो इस बार अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, यानी कि अपने रिटायरमेंट की डेट आप लोगों को एमएसटी अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उस पोस्टर को ध्यान से देखें जो कि एमएसटी ने अपलोड किया है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो कोई एक्साइटिंग अनाउंसमेंट हो सकती है सीएसके के फैंस के लिए और एमएसटी के फैंस के लिए। उनकी इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एमएसटी हम सभी लोग जानते हैं जब वो रिटायरमेंट लेते हैं या फिर ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो
वो नहीं चाहते कि कोई भी फैन कुछ भी इस तरीके की फैन थियरी को गैस करे, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हो सकता है MSTs को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है IPL 2023 के पहले मुकाबले को लेकर। दरअसल किसी भी सीजन में IPL का पहला मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पहले मुकाबले से ही हमें ये पता चलता है कि वो टूर्नामेंट किस साइड को जाएगा, यानी कि क्या उस टूर्नामेंट का टेम्पो रहेगा, क्या उसकी व्यूअरशिप रहेगी। इसके साथ ही पहला मुकाबला अगर क्लोज हो जाए तो फिर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं IPL के पूरे सीजन को लेकर। और ऐसे में दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच में हमें आर्क राइवलरी देखने को मिलती है, ये है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच के मुकाबले। और ऐसे में इस बार BCCI प्लान कर रही है कि वापस से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स वाले मुकाबले को वापस लेकर आया जाए, क्योंकि जब इसका प्रोमो लॉन्च होता है तो MI और CSK के बीच की राइवलरी काफी ज्यादा जो एक्साइटमेंट है फैंस के बीच में उसको जनरेट कर पाती है, जिसके चक्कर में BCCI और स्टार स्पोर्ट्स जो कि इसकी मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि MI और CSK के बीच पहले मुकाबले की हाइप का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। ऐसे में हो सकता है कि इस बार आप लोगों को पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच में देखने को मिले। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से IPL 2023 का पहला मुकाबला कौन सी दो टीमों के बीच में आप लोग देखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अब काफी ज्यादा परेशान होकर जोफ्रा आर्चर से फाइनली ऑफिशियली उनको रिप्लाई करने को कहा है कि आखिर उनकी कंडीशन क्या चल रही है। दरअसल जोफ्रा आर्चर इतने सालों से बाहर है, खुद फैंस भी मुंबई इंडियंस के काफी ज्यादा निराश हैं कि जोफ्रा आर्चर के बारे में आखिर अपडेट क्या है, क्या ये IPL में आने वाले हैं क्या फिर नहीं। ऐसे में अब जब नीलामी की तारीख आ चुकी है तो मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जल्दी ही रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट के नोटिस भी आ जाएगा, और ऐसे में MI की टीम डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि क्या वो जोफ्रा आर्चर को रिटेन करना चाहते हैं या फिर रिलीज, क्योंकि अगर वो जोफ्रा आर्चर को रिटेन करते हैं और अगर जोफ्रा आर्चर इस बार के IPL में खेलने के लिए नहीं आ पाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इनके पैसे भी वेस्ट होंगे, ये ऑक्शन में किसी और प्लेयर को खरीद भी नहीं पाएंगे, और जोफ्रा आर्चर इस साल भी नहीं खेलेंगे, और दो साल अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कतें MI की टीम के लिए बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में इन्होंने जोफ्रा आर्चर को कहा है कि आप अपना जो स्टैंड है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करो कि क्या आप IPL में आना चाहते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है इस बार के IPL की नीलामी के वेन्यू को लेकर। दरअसल वेन्यू के रिगार्डिंग भी ऑलरेडी BCCI के द्वारा अब अपनी सर्च स्टार्ट की जा चुकी है कि कौन सा ऐसा वेन्यू रहेगा जहां पर इस बार IPL की नीलामी कराना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, और अभी तक निकल कर आ रही इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस प्लेस के ऊपर IPL के इस बार की नीलामी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो वेन्यू रहने वाला है बेंगलोर का, जहां पर बेंगलोर में इस बार IPL के मिनी ऑक्शन की नीलामी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी 2 से 3 वेन्यूज और हैं जिनके बीच में आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक निकल कर आ रही रिपोर्ट्स के हिसाब से बेंगलुरु ही वो वेन्यू होने वाला है जहां पर आप लोगों को IPL नीलामी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।